नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हाथ से जीतती हुई बाजी निकल गई, इस पर एनालाइज करने आया हूँ। दरअसल कल तक हम लोग ये सोच रहे थे कि आज हम लोग एनालाइज करेंगे बैठ के ये कि बीजेपी के क्या मूल कारण रहे हरियाणा में ना जीत पाने के। लगातार जो एक्सिस पोल्स जो थे वो क्लीन स्वीप दिखा रहे थे कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दो तिहाई मेजोरिटी के साथ में हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती दिख रही है। यही इल्म शायद कांग्रेस के नेताओं को रहा और ये ओवर कॉन्फिडेंट बन गया। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी और उनकी जो पूरी टीम है कांग्रेस है उनको ले डूबा, और बीजेपी की इस बार एक नई स्ट्रेटेजी समझ में आई। तो इसी पे आज मैं चर्चा आप लोग से करूंगा कि क्या 3 से 4 वजह रही, जवान किसान चाहे अग्निवीर वाली समस्या हो चाहे बेरोजगारी हो, सब कुछ बीजेपी के खिलाफ जाने के बावजूद भी, लगातार 10 साल वहां पर उनकी सरकार रहने के बावजूद, लोगों में गुस्से के बावजूद भी, क्या मूल कारण थे जिस वजह से हरियाणा नहीं जीत सकी कांग्रेस। तो साथियों शुरुआत करते हैं क्या कारण रहे अहम। सबसे पहले बात कर लूं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर एक बहुत ज्यादा कांग्रेस के नेताओं में अति उत्साहपना दिखाई दिया, जो 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में ठीक इसी प्रकार का अति उत्साह ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया था, होना दिखाई दिया था, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। वहां से सीख कांग्रेस ने नहीं ली, वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिए, इसी को बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी के रूप में इस्तेमाल किया। बीजेपी उनके ऊपर पलटवार करने के बजाय 2 कदम पीछे हट गई और बिल्कुल ऐसा दिखाया कि हम दब चुके हैं, ये जो पूरा मामला है ये कांग्रेस ले गई है, कांग्रेस जीत रही है, ऐसा बीजेपी ने शो किया कि हम हार मान गए हैं। लेकिन ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, वो पीछे हट गए, खिसक गए, और उसका जो रिएक्शन था कांग्रेस का, कांग्रेस के नेता उठपटांग बहुत सारी बातें उन्होंने बयान दिया, वो वापस उनको आके लगा और चुनाव में वो दिखा। दूसरा, इंटरनल घमासान कांग्रेस के अंदर। शुरुआत से कहा जाता है कि कांग्रेस में इंटरनल प्रॉब्लम शुरुआत से रहती है, हालांकि ये बीजेपी में पिछले 5-10 साल में दिखाई दिया है। लेकिन जब कांग्रेस को ये चीज़ लग गई कि ये चुनाव तो हम जीत रहे हैं, तो खुल के जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ गई। कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी जो टकराव थी, लड़ाई थी, वो जग जाहिर थी। यहाँ तक कुमारी सैलजा जो है वो 15 दिन तक प्रचार में नहीं गई, नाराजगी जब पीक पॉइंट था प्रचार का उस वक्त में प्रचार में भी नहीं गई, फिर उनको मनाया गया उस चीज के लिए। तो जब वो प्रचार में नहीं गई कुमारी सैलजा दलित वोटरों का चेहरा है, और जब वो नहीं गई तो उसका इफेक्ट सीधा दलित चेहरे पर आता है। अहम बात ये बता दूं, दलित वोटर हरियाणा में टोटल 36 जातियां हैं। 36 जातियों में सबसे पहले नंबर पे आती है जाट, सेकंड नंबर पे आती है दलित। ये दो पे कॉन्फिडेंस कांग्रेस को था, कांग्रेस को लगता था दलित और जाट वोट ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2024 में लगातार संविधान की बात करके राहुल गांधी जी लगातार पूरे चुनाव को, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने, इंडियन गठबंधन ने, राहुल गांधी ने लगातार प्रचार करके कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार ये गेम रिवर्स हो गया। कैसे हो गया ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कुमारी सैलजा के जो वोटर्स हैं, जहां से निकालने थे दलित वोटर, वो बीजेपी की तरफ खींचे चले गए। सबसे पहला नुकसान ये हुआ उनको। अब आते हैं दूसरे मुद्दे। साथियों आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले, 1.5 महीने पहले राहुल गांधी अमेरिका गए थे। वहां पर उन्होंने 2 बयान दिए थे। पहला बयान तो उन्होंने ये दिया था कि नरेंद्र मोदी की लहर अब खत्म हो चुकी है और उनसे अब लोग डरना बंद हो गए हैं। यहां तक ठीक था। लेकिन दूसरा बयान उनका आया था कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सत्ता आएगी, और जब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हम लोग स्तर बढ़ा देंगे,
एससी एसटी का, तो फिर आरक्षण की ज्योत ही नहीं पड़ेगी, आरक्षण हम वापस ले लेंगे। इस पॉइंट को अमित शाह पकड़ लिए और उन्होंने इसका उल्टा रिवर्स काम किया। उन्होंने एक उनके उस बयान को आधा लेकर इस तरीके से घुमाया कि देखो जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस लगातार हमको कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी बताती थी, ये कह रहे हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ये भी आरक्षण को वापस ले लेंगे। हरियाणा में पिछले 2024 चुनाव में 5-5 सीटें दोनों बीजेपी और कांग्रेस आई, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी था, आरक्षण वाला मुद्दा, ये भी काम किया था। और यही रिवर्स कांग्रेस के खिलाफ इस बार काम किया, जब इसका प्रचार जोर शोर से अमित शाह ने किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस जब सत्ता में आएंगी तो आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा में एक चीज का प्रचलन है, हरियाणा में करीब करीब 36 जातियां हैं, उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो जाति आती है वो आती है जाट की, जो बहुल्य हैं, मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है। और पिछले लगातार कई विधानसभा चुनाव से बीजेपी का छोड़ करके, जो 2014-2019 का छोड़ के 2014 तक जाट नेता ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनता था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और एक चीज़ और था, हरियाणा में 2 बार से ज़्यादा कहीं कभी भी सरकार वहाँ नहीं रहती थी, जो 52 साल का रिकॉर्ड है जो बीजेपी ने तोड़ा है 3री बार आकर के। तो इसमें मूल मुद्दा जो रहा सबसे अहम वो ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी गैर जाट वाली राजनीति खेल के, जो सबको लग रहा था गैर जाट राजनीति जो बीजेपी खेल रही है उसका नुकसान होगा, जबकि उसका फायदा हुआ, क्योंकि एक तरफ जाट और दूसरी तरफ पूरी 35 जातियां बीजेपी की तरफ खींची चली है। उनके जो सबसे अहम नेता हैं कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूरा फोकस कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर रहा। लोगों को लगा, जो नीची जातियां हैं उनको लगा कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा का अपमान किया है कांग्रेस ने, इग्नोर कर रही हैं, तो एससी एसटी जो जाति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ चली गई। उसके अलावा और जो जातियां हैं उनको भी ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ पर जो राज है हरियाणा में, कहीं ना कहीं वो जाटों का राज हो जाएगा। और हरियाणा में ये चीज़ को देख करके वोटर जो हैं पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गए, गैर जाट जो हैं वो पूरी तरीके से एक साथ बीजेपी की तरफ चले गए, और करीब करीब 35-36% जो जाट हैं वो एक तरफ कांग्रेस की साइड में रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। एक बहुत अहम कारण है, क्योंकि अगर कांग्रेस लगातार हवा नहीं देती, लगातार जो राहुल गांधी ने हालांकि लास्ट में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी, आखिरी मूवमेंट में उन्होंने बोला प्रचार के लास्ट मूवमेंट में कि ये जो हरियाणा में जो हमारी सरकार आ रही है ये 36 जातियों की रहेगी, सबको दर्जा दिया जाएगा, सबका इम्पोर्टेंस रहेगी, लेकिन तब तक तीर निकल चुका था, काम हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस चुनाव को। साथियों चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा था कांग्रेस का कहीं ना कहीं गलत प्रत्याशियों को टिकट दे देना। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, उनको ऐसा लगने लगा था अब तो हमारी सरकार आएगी ही आएगी, इसलिए जो वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट थे, हरियाणा के जो लोकल कैंडिडेट थे जिनसे लोग नाराज थे, इस बात को जानती भी थी कांग्रेस, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि लहर एक तरफ बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है, तो हम किसी को भी टिकट देंगे तो जीत ही जाएगा वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकल विधायक थे उनसे बहुत नाराज थे, ऐसे करीब करीब 14-15 वहाँ पर जो लोकल विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाए हैं कांग्रेस को उनके। उसके अलावा कांग्रेस 2024 में इस बात को भूल गई, इस चुनाव में 2024 में जो कांग्रेस ने ताकत भरी थी वो था इंडिया गठबंधन में। हरियाणा में 2024 के जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हैं वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं हुड्डा लड़ रहे हैं अपने दम पर, और हरियाणा में सिर्फ हुड्डा की चल रही, टिकट वितरण के समय भी सिर्फ हुड्डा के जो खास लोग थे उनको टिकट दिया गया। यही वजह था कि सैलजा कहीं ना कहीं नाराज दिखी, उनके अपने आदमियों को टिकट नहीं दिया गया इसको लेकर के।
उसके अलावा अगर बात करें इंडिया गठबंधन, जो मेन मुद्दा है अरविंद केजरीवाल के साथ आना, अरविंद केजरीवाल आना चाहते थे हरियाणा में कांग्रेस के साथ में, लेकिन बात भी कुछ समय चली लेकिन हुड्डा अड़े रहे। हुड्डा को लगा कि मैं अपने बल पर ये सीट, ये यहाँ हरियाणा को जिता ले जाऊंगा और एक तरफा जिताऊंगा। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, मतलब वहां भी सेंटर जो गांधी परिवार है उनका चला नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हुड्डा ने अपने मन मुताबिक किया जो करना था, उसका खामियाजा उन्हें मिला कहीं ना कहीं। अरविंद केजरीवाल जीत तो नहीं पाए लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं करें अगर एक साथ मिलकर के लड़ते। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जो लगी हुई सीटें हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर में जो आती हैं, ये ब्रज की सीटें हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा की कम से कम 2 से 3 सीट 3 से 4 सीट कहीं कहीं कवर करती हैं। अगर वहां से अखिलेश यादव को उतार दिया होता, क्योंकि अखिलेश यादव का अभी इस वक्त यूपी में बहुत जबरदस्त हवा चल रही है, अगर उनको टिकट दे दिया गया होता तो कुल मिलाकर के ये हवा जा, ये एक संदेश जाता कि कांग्रेस अकेली नहीं है, कांग्रेस एक तानाशाही सरकार नहीं है, वो सबको लेके चलने वाली है, अरविंद केजरीवाल भी उसमें है और इंडिया गठबंधन और स्ट्रांग होता। इस चीज को नहीं भाप पाई कांग्रेस, कांग्रेस कहीं ना कहीं पुराने रूप में दिखी जो 2014 से पहले लगातार दिखती रही है, उनकी मतलब कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है उनके नेताओं में। तो ये 3 से 4 वजह मैं बोलूंगा अहम, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है हरियाणा का कांग्रेस जीतते हुए हार गई। एक वजह और है साथियों जो आप लोग समय चर्चा करना चाहूँगा कहीं ना कहीं, अग्निवीर, क्योंकि 3 सबसे महत्वपूर्ण था, एक तो जवान, किसान और खिलाड़ी, ये 3 कहीं ना कहीं पहलवान कहीं दिख रहे थे जो एक प्रकार से लग रहा था कि हरियाणा में बीजेपी को पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा दिखा नहीं। अग्निवीर की चर्चा करना चाहूँगा, अग्निवीर स्कीम योजना, बीजेपी ने अग्निवीर स्कीम योजना लेकर के आई अभी 1.5 से 2 महीने पहले, उसमें अग्निवीरों को कहीं ना कहीं ये बता करके उनके वोट को खींचा गया कि अगर आप अग्निवीर में जाओगे, अग्निवीर जब आप 3 से 4 साल बाद अग्निवीर बन के निकलोगे तो उसके बाद भी आपके पास मौका है, और भी जो जॉब्स होंगी और जो नौकरियां होंगी उसमें आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। ये थोड़ा अट्रैक्टिव स्कीम रही, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अग्निवीर स्कीम जब आई उसके बाद में कहीं ना कहीं यूपी का जो चुनाव था उसके बाद में जीता था। इसका मतलब अग्निवीर बहुत ज़्यादा डेंट नहीं मार रहा था, जितना डेंट बाकी चीज़ें मारी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में। यही कारण है कि ये जो नाराजगी स्पेशली हरियाणा में दिख रही थी, क्योंकि जवान जो हैं ज़्यादातर हरियाणा के रहते हैं और इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ये कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी समझ चुके थे। और ये सब का जो परिणाम है मिला जुला वो ये रहा कि इस बार दोबारा करीब करीब 50 सीट पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाई और इतिहास रच दिया, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं गुजरात के जिस प्रकार से गुजरात में लगातार 95 से लगातार गुजरात में सरकार कांग्रेस बीजेपी की बन रही है, ये कहीं ना कहीं उसी ओर इंडिकेशन दे रहा है कि हरियाणा उधर ही साइड तो नहीं जा रहा। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा सबसे पहले, लगातार कई सालों से जिस वजह से कांग्रेस हारती रही है, सबसे अहम कारण उनके जो अपने नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को धोखा दे देते हैं। एंड दूसरा, ये कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में ताकत है, जब तक इंडिया गठबंधन एक है तब तक वो मोदी जी से लड़ सकते हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं। अकेले फिलहाल इतनी ताकत राहुल गांधी या कांग्रेस में नहीं आई है कि वो पूरी तरीके से अपने दम पर चुनाव जिता के ले जाए। उसके अलावा जो वोटरों का, अलग अलग जातियों का, उन चीज़ों का दूरदर्शीपन जो बीजेपी में दिखता है वो कांग्रेस में नज़र नहीं आता, वो रणनीति बनाने वाला, वो संगठन की कमी कहीं ना कहीं नज़र आती है। जैसे बीजेपी में बोलते हैं एक संगठन है, RSS है, जो कहीं ना कहीं से बैकअप करते हैं, तो वो कांग्रेस में
कहीं ना कहीं कमी संगठन की नजर आती है और नेतृत्व की कमी नजर आती है, क्योंकि एक स्ट्रांग होल्ड जैसे मोदी जी का है, ऐसा राहुल गांधी का एक स्ट्रांग होल्ड आज भी नहीं दिख रहा। हालांकि वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक जो बोल दिया जैसे उनकी दादी का होता था, इंदिरा गांधी ने अगर बोल दिया तो उसके बाद किसी की मजाल नहीं होती थी, कुछ चू भी करें। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा। इस चीज़ को राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, आगे उस हिसाब से राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो नेता हैं कांग्रेस के, वही इनको डुबा जाते हैं बार बार, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, अलग अलग राज्यों में लगातार कांग्रेस ने ही कांग्रेस को डुबाया है, ये साफ तौर पर नजर आया है। तो दोस्तों, हमारा ये जो एनालाइज था, ये आपको कैसा लगा बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। कल फिर मैं नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा जम्मू कश्मीर का।